अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अलीज़े और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जनाब, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई, डल, डिहाइड्रेट और अनइवन हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक ऐसी प्रोडक्ट शेयर कर दी जाए जो इन सारे प्रॉब्लम्स को सोल्व कर दे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ जी एक स्किन पॉलिश का। स्किन को इवन टोन करेगी, ब्राइटन अप करेगी और आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में विजिबल डिफरेंस ऐड करेगी। और साथ ही साथ हर्बल है तो इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। जी हाँ जनाब, तो मैं बात कर रही हूँ ड्यू हर्बल की इस स्किन पॉलिश की, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसको मैं खुद 3-4 मंथ से यूज़ कर रही हूँ और इसका जो रिजल्ट है वो बहुत औसम है। अच्छा जी, अगर इसकी पैकेजिंग की बात की जाए तो ये इस तरह की वाइट इन कलर है, बॉटल प्लास्टिक बॉटल में आती है जिसपे ग्रीन और रेड में ब्रांडिंग हुई हुई है। ये इसकी क्रीम है और ये इसका ब्लीचिंग पाउडर है। ये स्टेप वन है और ये स्टेप टू है। अगर इस स्टेप वन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले इनका लोगो है ड्यू हर्बल का और उसके बाद इस पे लिखा हुआ है कि ये स्किन पॉलिश है विद 20 वॉल्यूम के साथ और ये हमारी क्रीम ब्लीच है। इसकी बैक साइड पे इसकी सारी इंस्ट्रक्शंस मेंशन है। ये कुछ ही रेज हो चुकी हैं बिकॉज इसको मैं काफ़ी अर्से से यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसकी एक्सपायरी भी यहाँ पे मेंशन है। ये एलोवेरा एक्सट्रैक्ट के साथ है और सेकेंड स्टेप में इसका ये ब्लीचिंग पाउडर आता है पेपरमिंट के साथ है जो स्किन को काफ़ी सूथ करता है। उसके बाद इसकी सारी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेंशन है। ये इसकी एक्सपायरी डेट मेंशन है और एज वी नो कि ब्लीचिंग पाउडर जो है वो हमारी स्किन को ब्लीच करने की प्रॉपर्टीज रखता है। इसके साथ ही साथ फेशियल हेयर को ब्लीच करके स्किन टोन से परफेक्टली मैच करता है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है और पॉलिशिंग के रिजल्ट्स को लॉन्ग लास्टिंग करता है। सो नाउ इट्स टाइम टू मिक्सिंग द स्किन पॉलिश। उसके लिए हमें इस तरह का एक बॉल चाहिए और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो स्किन पॉलिश है उसका रिजल्ट पॉलर स्किन पॉलिश जैसा आए तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ मैं इसकी आपको क्वांटिटी मेजर करके बता देती हूँ। इसमें हमने 2% क्रीम का, यानी कि 2 चम्मच हमने अपनी क्रीम के ऐड करने हैं। क्वांटिटी अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। मैं अपने हाथों के लिए बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 2 स्पून इसके ऐड कर लूँगी। क्रीम ब्लीच के हमने 2 स्पून लिए हैं तो इस पाउडर के हम लोग यहाँ पे 1/2 स्पून लेंगे। मैं हैंड और फीट के लिए बना रही हूँ तो मैं 1/2 ले रही हूँ। अगर आपने फेस के लिए बनानी है तो आपने 1/2 से भी कम लेनी है। ये देखिए, मैं इतनी क्वांटिटी ले रही हूँ, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो 2 स्टेप इसमें मैं करने जा रही हूँ वो टोटल ऑप्शन है। अगर आपके पास हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी सॉफ्ट टच का ये सूथिंग लोशन विद टी ट्री ऑयल और साथ ही स्किन शाइनर। आपने देखा होगा कि पॉलर से आप जब भी स्किन पॉलिश करवाते हो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है, आपकी स्किन शाइनी हो जाती है, ग्लोई हो जाती है। तो उसमें यही चीज़ें वो लोग ऐड करते हैं जिससे आपकी स्किन पॉलिश के जो रिजल्ट है वो डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो सूथिंग लोशन जो है आपकी स्किन को सूथ करता है, काम डाउन करता है और ब्लीच से होने वाली जो इचिंग होती है उसको रिड्यूस करता है। तो इसका यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून ले लूँगी। अच्छा जी, नेक्स्ट इसमें ये जो शाइनर है इसका भी मैं 1/2 स्पून ऐड करूँगी। ये हमारी स्किन में बहुत ही प्यारी सी शाइन और ग्लो ऐड करेगा। अच्छा जी, इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से टाइम लेके मिक्स करें। ये जो इसके ब्लीचिंग पाउडर के ग्रैनुल्स हैं इनको आपने अच्छे से मिक्स करना है। जब तक मैं इन चीज़ों को मिक्स कर रही हूँ आप जल्दी से मेरी जो वीडियो है उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। भाई बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। जी जनाब, तो मैंने यहाँ पे स्किन पॉलिश को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। आप देख सकते हैं ये इस टाइप की कुछ लफी सी क्रीम फॉर्म कंसिस्टेंसी में आ गई है। इसका यहाँ पे मैं आपको लाइव डेमो दूंगी अपने हैंड पे लगा के। आपने जब भी आपने स्किन पॉलिश करनी है सबसे पहले आपने अपनी जो स्किन है उसको किसी भी अच्छे क्लेंजर की हेल्प से क्लेंज करना है ताकि जो पोर्स में आपके डर्ट है, डस्ट है, इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकल जाएँ। उसके बाद जो आपकी स्किन पॉलिश है उसकी आपने थिक लेयर अपनी स्किन पर अप्लाई करनी है। मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। इसे आपने अगर अपने हैंड और फीट पे लगाना है तो आपने जी 25 मिनट तक लगा रहने देना है और अगर आप अपने फेस पे लगा रही हैं तो 10 मिनट इनफ है और अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो आप 7-8 मिनट भी लगा सकती हैं। अच्छा गाइस, टाइम पूरा होने के बाद आपने क्या करना है कि पानी की हेल्प से अपनी स्किन पॉलिश को मसाज कर 2 मिनट तक मसाज करना है। मसाज करने के बाद इसे आप टिश्यू की हेल्प से या इस तरह के जो स्पंज आते हैं हेल्प से क्लीन कर लें। क्लीन करने के बाद आपको जी रिज़ल्ट मैं दिखा देती हूँ।
जी गाइस, तो रिज़ल्ट आपके सामने है, आप खुद चेक कर सकते हैं। इस पूरे हैंड पे मैंने लगाई थी, इस पे मैंने सिर्फ एक पैच लगाया था। आप खुद रिज़ल्ट देख लें, जहाँ पे पैच लगाया था वहाँ से स्किन 3 से 4 टोन लाइटर है, फेयर लग रही है, ब्राइटन अप लग रही है। और ये देखें, जहाँ पे स्किन पॉलिश नहीं लगी थी वहाँ पे रिज़ल्ट आप खुद देख लें। अच्छा जी, इसने बालों को अच्छे से गोल्डन किया। यहाँ से देख लें आप, ब्लैक है और यहाँ से गोल्डन है। ये उतना अच्छा कैमरा इसको कैप्चर नहीं कर पा रहा जितने अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। अच्छा गाइस, यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है। मैं हमेशा अपने चैनल पे ऑनेस्ट रिव्यू करती हूँ। इसको मैंने अपने पैसों से ख़रीदा है, ये बिल्कुल भी मुझे कंपनी ने नहीं भेजी। मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगा था इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ये आजकल पॉलर्स में भी काफ़ी यूज़ हो रही है और ओवरऑल इसके रिव्यू भी काफ़ी अच्छे थे, तो इसलिए मैंने भी इसको ट्राई किया। मुझे इसके रिज़ल्ट अच्छे लगे तो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया। अगर आप इसे परचेज़ करना चाहें तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और ये आपको लोकल मार्केट से भी मिल जाएगी। मैंने इसको 300 में परचेज़ किया था और इसकी जो एग्जैक्ट प्राइस है वो मैं आपको ऊपर स्क्रीन पे भी दे दूंगी। यहाँ पे मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि कोई भी स्किन पॉलिश करने से पहले उसका टेस्ट ज़रूर कर लिया करें। अगर वो आपको सूट करे तो अप्लाई करें, अदरवाइज ना करें। और सेकंड थिंग ये कि जब भी आप कोई भी स्किन पॉलिश हो उसे यूज़ आपने एक दफ़ा करने के बाद 15 से 20 डेज का गैप देके आपने दोबारा उसको यूज़ करना है, इतना गैप आपने ज़रूर देना है। और दैट्स ऑल ऑफ दिस वीडियो गाइज, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर इस स्किन पॉलिश से रेलिवेंट कोई क्वेश्चन हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे DM कर सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।